हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 3 में, दैट इज़ ओपन वेल यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक। इससे पहले तो वैसे हमने मोस्टली इसमें टॉपिक कवर कर दिए थे, बट एक टॉपिक छूट गया था तो मैंने सोचा कि उसको भी कवर कर दे रहे हैं क्योंकि वो भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं कि वाई ओपन, तो उसे दैट इज ओपन पेस कंपैरेटर, तो वो तो हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है, छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल बहुत बहुत कॉमन सा वीडियो है बट इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो वाई ओपन कैन नॉट बी यूज एज एम्पलीफायर इन एन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो ओपन को हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, अभी तक जितने भी हम ओपन बना रहे थे तो उसमें हम नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके बारे में समझेंगे कि एडवांटेजेस क्या है नेगेटिव फीडबैक की। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मतलब हमने आरएफ को पीछे की तरफ लिंक कर दिया था, मतलब जो आउटपुट आ रहा था वो हमारा इनपुट साइड में जा रहा था। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ओपन कैसे रहता है? इन्फाइनाइट होता है। मैंने आपको बताया था एआरबीएससी वाली टेक्निक से ये क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा इन्फाइनाइट होता है। सो फॉर प्रैक्टिकल ओपन इट इज वेरी हाई, दैट इज 2×10^5, जो हमारा IC741 ओपन के लिए था। तो एज द गेन इज वेरी हाई, सो डिस्टॉर्शन इज प्रोड्यूस इन द आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट। ठीक है, तो हमारा गेन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो डिस्टॉर्शन हमारा प्रोड्यूस हो जाता है आउटपुट या एम्पलीफाइड आउटपुट में। तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, ऑल्सो ओपन लूप गेन डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। ओपन लूप गेन कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, इट कैन बी चेंज एज वी चेंज टेम्परेचर। और बैंडविड्थ जो ओपन लूप ओपन की होती है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम होती है। बैंडविड्थ कैसी रहती है? बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो यही सब ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कॉपरेट नहीं कर जाता है, और यही सब हमारी जो हमारी डिसएडवांटेजेस हैं, या जो हम कह सकते हैं कि जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं जब हम इसमें क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही एक तरीके से एडवांटेजेस भी हो गए नेगेटिव फीडबैक के, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं ओपैम्प इन द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का फिर यूज़ कहाँ पे हुआ। तो इट इज़ ऑलवेज यूज एज अ कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर की तरह इस्तेमाल होता है, इज ऑलवेज अपडेटेड एज अ कंपैरेटर। तो अभी कंपैरेटर क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो ओपैम्प हमारा, मैंने आपको बताया था, V1 और V2 होता है, VD हमारा इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, V सैचुरेशन, V सैचुरेशन प्लस माइनस VEE, ठीक है, प्लस VEE इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही है। तो अगर मैंने V सैचुरेशन को VCC ले लिया और माइनस V सैचुरेशन को माइनस VCC ले लिया है, तो हमने अज्यूम कर लिया ओपन लूप गेन कैसा रहता है आइडियल ओपैम्प के लिए, इनफाइनाइट। तो A फॉर ओपन लूप दैट इज इनफाइनाइट। नाउ वी नॉट क्या होता है, A इंटू VD होता है भाई। वी नॉट क्या हो जाएगा, A नॉट इंटू VD। ठीक है, तो A क्या है, ओपन लूप गेन इंटू V1 माइनस V2। अब देखिए, अगर मैंने V1 की वैल्यू को 0.2 अप्लाई करा है और V2 की वैल्यू को 0.1, मतलब V2 को मैं फिक्स रख रहा हूँ और V1 की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो V1 माइनस V2 आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो P0 क्या होगा, प्लस वी सैचुरेशन। V1 माइनस V2 प्लस आ रहा है, V1 माइनस V2 प्लस आ रहा है, तो V0 की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं V1 की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी V2 से, तभी तो मेरा आंसर V0 के लिए पॉजिटिव दे रहा है। तो ये एक तरीके से कंपेरेटर की तरह काम कर गया कि भाई मेरा V1 जो है वो V2 से बड़ा है, तभी मेरा V0 जो है वो V+V सैचुरेशन के बराबर आएगा। आगे समझ में? तो ये इस तरीके से यहाँ से कंक्लूजन निकलता है ओपन का कंपेरेटर की तरह। तो ये आपको एग्जाम में लिख के आना, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अब देखिए, अब दूसरा केस ले रहे हैं जब हमने V1, V2, V3 की वैल्यू को कम लिया है V2 की वैल्यू से। तो देखो, यहाँ पे V2 0.2 था, यहाँ पे 0.3 है, Y3 की 0.3 कर दो या 0.24 कर दो, बात एक ही है। मान लो यहाँ पे मैंने 0.4 ही कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, तो अब जब मैं क्या होता था मेरा जो हम V0 लिखते, तो V0 क्या होता था, A0L, दैट इज वो तो इन्फाइनाइट रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ V सैचुरेशन की, तो V1 माइनस V2 हो जाता है, और तो V1 की वैल्यू 0.1 माइनस 0.2 कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। 0.1 माइनस 0.3 नेगेटिव, 0.1 माइनस 0.4 नेगेटिव। तो आंसर क्या आ रहा है, V0 इक्वल्स टू माइनस V सैचुरेशन। हम जिसको इन्फिनिटी बोल रहे हैं वो क्या है, सैचुरेशन बोल दिया, मान लो सैचुरेशन हमारा इतना है, तो इसलिए मैंने इसको कहा माइनस वी सैचुरेशन। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मेरी V1 की वैल्यू छोटी होगी V2 से, तभी मेरा आंसर नेगेटिव आएगा V0 का। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर V0 की वैल्यू प्लस वी सैचुरेशन आ रही है, तो ये दिखा रहा है कि V1 V2 से बड़ा है, और जब V0 की वैल्यू माइनस वी सैचुरेशन के बराबर है, तो हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि V2 की वैल्यू कहीं ना कहीं V1 से बड़ी होगी। ये समझा दिया मैंने आपको। अब तीसरा केस क्या है कि अगर मान लो V0 की वैल्यू 0 आ गई, तो ये क्या दिखा रहा है, V0 का फॉर्मूला क्या होता है, A0L V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू जो है वही 0 हो सकती है, अदरवाइज तो आंसर इसका 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि A0L तो हमेशा इन्फाइनाइट रहना है। तो V1 माइनस V2 का मतलब 0 आ गया, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, V0 जो है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब V1 और V2 क्या थे, बराबर थे, तभी तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब दैट इज V1 इक्वल टू V2। तो ये कंपेरेटर की तरह इस्तेमाल होता है ओपन इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसकी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, तो ये भी प्लॉट कर लिया था कि हमारा एक मैक्सिमम तक ये करंट बढ़ती है, फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेटर का एक वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लॉट हो जाती है, बाकी पूछी नहीं जाती, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया है। अगला है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपन। तो बस यही हम यूज़ कर रहे थे सब में। तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओपन ऑलवेज यूज एज एम्पलीफायर इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वी आर ऑलवेज गेटिंग द एम्पलीफाइड आउटपुट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फीडबैक का इसमें हमने इस्तेमाल करा होता है, एक एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है। तो और हमारा ओपैम्प इन ओपन लूप किस में इस्तेमाल होता है, फॉर द कंपेरेटर। ओपन लूप और क्लोज लूप में ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ओपैम्प
एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होते थे. इट इज़ यूज एज एन एम्पलीफायर इन क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन. दैट इज वी आर ऑलवेज गेटिंग द एम्पलीफाइड आउटपुट. इन क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन वी आर ऑलवेज यूजिंग नेगेटिव फीडबैक. दैट इज आउटपुट गेट्स इंजेक्टेड बैक टुवर्ड्स इन्वर्टिंग टर्मिनल. क्योंकि आउटपुट को हमने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इंजेक्ट कर दिया, दैट इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल. क्योंकि नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल. वी वन, वी टू, वी डी और बाकी सब वही है. आर एफ दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस. मतलब जो हमारा फेस बनेगा वो 180 डिग्री, जो हमारा इनपुट है तो उसका जस्ट अपोजिट आएगा हमारा कहीं ना कहीं आउटपुट. कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो. अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं. तो जो हमने ओपन लूप में क्या करी थी, जो हमारी ड्रॉबैक्स आई थी, तो वही हमारी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, क्लोज लूप में एडवांटेजेस हो जाती हैं. तो अब देखिए एडवांटेजेस क्या है मैंने पर नेगेटिव फीडबैक की. पहला, ये स्टेबलाइज करता है गेन को. वहाँ पे हमारा गेन क्या था, कांस्टेंट नहीं था, वो स्टेबलाइज नहीं था, तो यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया. अच्छा, वहाँ पे गेन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो इसको भी वो रिड्यूस करता है, थोड़ा सा रिड्यूस करता है गेन को. थर्ड क्या है, इट विल इंक्रीज द बैंडविड्थ. वहाँ पे क्या था, बैंडविड्थ रिड्यूस थी और टेंपरेचर इफेक्ट गेन का वहाँ पे क्या था, डिपेंडेंट था. यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा कैन बी रिड्यूस्ड हो रहा है. ठीक है, तो इस ये चार हमारी एडवांटेजेस हो गई नेगेटिव फीडबैक की. तो ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए. तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं. बाकी इसके बाद की सारे वीडियो मैंने उसमें पुट करे हुए हैं. प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं. पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, वहां से आप सब रेफर कर सकते हैं. तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.